अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गफाल अली, कॉमेडियन, फिल्म टीवी स्टेज आर्टिस्ट, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। एक कल से बहुत बुरी खबर हम सुन रहे हैं, बहुत देख भी रहे हैं कि एक आदमी ने तशद्दुद की अपनी माँ के ऊपर। माँ जन्नत है, बाप दरवाज़ा, और उस आदमी के ऊपर इतनी लानतें पड़ रही हैं कि इतनी जितनी फेसबुक खोलेंगे दुनिया की, अब जहाँ भी देख लें उस आदमी को इतना बुरा भला कहा जा रहा है। क्योंकि ये कुरान में जिक्र है कि जो माँ बाप के आगे उफ़ तक नहीं करने की हमें गुंजाइश, कि माँ बाप का बेअदब होना तो बड़ी दूर है, उफ़ नहीं कर सकते। तो इस बच्चे ने देखें क्या कुछ की दुनिया में हो रहा है कि उस बच्चे ने अपनी माँ के ऊपर इतना तशद्दुद की। इतनी दुख वाली तकलीफ वाली बात है ये कि आंसू आ जाते हैं ऐसी बातें सुनकर और देखकर। और मैं बड़ा ममनून शुक्रगुजार हूँ फैज़ुल हसन चौहान साहब का, जिन्होंने ये फौरी एक्शन लिया। उस्मान बाजार साहब वज़ीर आला पंजाब से, उन्होंने फौरी एक्शन लिया और उस आदमी को गिरफ़्तार किया रावलपिंडी से। तो एसएसपी उनके ख़ुद उनके घर पे गए, घर के जाने के बाद उनकी वालदा से मिले और उन्हें फौरी एक्शन लिया कि माँ जी आप घबराइए नहीं, और उन्हें फौरी गिरफ़्तार किया। ये होता है पाकिस्तान, और ये होती है हमारे पाकिस्तान की पुलिस, जो फौरी ऐसे ज़ालम मुजरमों को फौरी पकड़ती है और गिरफ़्तार करती है। मेरा सलूट है इन पाक फ़ौज को, पाक पुलिस को, जो कि उन्होंने फौरी उन्हें ऐसे बेअदब आदमी को गिरफ़्तार किया और उन्हें जेल के अंदर डाला। और इसके लिए बहुत कम सजा जो भी इसे दी जाए, इसने बहुत गलत किया। जेलें भरी हुई ऐसे काम से कि तुमने किस उस मकाम की तुमने बेअदबी की है, हाँ, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, जिसके हम पैर धो धो कर पीते हैं। हाँ जी, हाय है, मैं आप क्या बताऊँ इसका क्या मकाम है। जब तक आप माँ बाप के आपके खुश नहीं हैं तो आप एक रब आपसे कैसे खुश होगा। और तशद्दुद किया, बहनों ने रोका मगर नहीं बात है, उसने बहुत मारा। और माँ का कहले देखें उनका बयान कि फिर भी उसके अंदर इतना रहम है कि मैं कि क्या बेटे कहूँ। उसने बड़ा तशद्दुद किया, मैं पूरे उसके मैंने बयान सुने हैं उस माँ के। तो ये बहुत बुरी बात है और ये बड़ा दुख हुआ, पूरी कौम को दुख हुआ, पूरी कौम को, जिसने भी ये वीडियो देखी उनकी वालदा की, तशद्दुद कर रहा है, अपनी माँ को मार रहा है और बड़ी बेरहमी से मार रहा है। तो यकीन करिए कि हुकूमत भी कांप उठी और उस हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया और फौरी उसे गिरफ़्तार किया और जेल के अंदर डाला है। और मैं यकीन करो कि कुर्बान जो उस पाक फ़ौज के और पाक पुलिस के, जिन्होंने ये फौरी काम किया और उन्हें फौरी उसे पकड़ा और जेल में डाला। अब उसका दुनिया भी उसकी अपने ख़राब हो गई और उसकी आखिरत भी ख़राब हो गई। तो ऐसे दोस्तों में मत बैठें जो माँ बाप के बेअदब हों, और बेअदब के बिना या दुनिया टिकाना ना या आखिरत।